दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने क्वारंटीन सेंटर को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मैंने उपराज्यपाल से अनुरोध किया था कि कोरोना पॉजिटिव हर व्यक्ति को क्वारंटीन सेंटर से सेंटर में लगाने का मॉडल ठीक नहीं है। 2 दिन हो गए हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। मैंने गृह मंत्री को भी चिट्ठी लिखी है कि इस व्यवस्था को बंद कराई जाए, नहीं तो इसके वजह हाहाकार मचाएगा। बसों में भर भर के लोगों को ले जाना पड़ रहा है, टेस्ट कराओ। आज मास टेस्ट, मास लेवल पे टेस्टिंग हो रही है, टेस्ट कराओ। अब प्रशासन फिर बस अरेंज करता है कि बस में बिठा के बहुत सारे लोगों को फिर क्वारंटीन सेंटर लेके जाओ। इसकी वजह से दिल्ली में सारी अफरा तफरी मच गई है। मैंने कल जेल जी साहब को रिक्वेस्ट किया था कि सर ये मॉडल ठीक नहीं है, इस मॉडल को छोड़ के एसडीएमए की तुरंत बैठक बुला के इसको चेंज करिए। लेकिन 2 दिन हो गए, पहले भी उनको मना किया था, लेकिन एलजी साहब ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने ना एसडीएमए की मीटिंग बुलाई। अब मैंने आज गृह मंत्री अमित शाह जी को भी चिट्ठी लिखी है इस बात को लेके कि सर दिल्ली में आप खुद इंटरवीन कर रहे हैं और आप काफी सक्रिय रूप से और सहयोगात्मक रूप से इंटरवीन कर रहे हैं। आपके सहयोग के और इसकी सक्रिय भूमिका के लिए हम भागीदार, हम आपके आभारी भी हैं। लेकिन ये जो व्यवस्था लागू हो गई है इसको